वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज हमारा नया प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं, ये देखें EF प्रोजेक्ट। अच्छा, अभी नाम मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, कभी मुंह से F ही निकल जाता है, लेकिन ये EF है। और होंडा सिविक 1980 मॉडल, 88 सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब हमारा काम है कि इसके अंदर स्ट्रेट पाइपिंग करवाने चलते हैं। सिविक जी आप लोगों ने जिस तरीके से देखा कि हम इसकी स्ट्रेट पाइपिंग करा कर आ चुके हैं, जिसमें हमने मफलर लगवाया है और पूरी पाइपिंग करवाई है। पूरी पाइपिंग ऑलरेडी हुई भी थी, क्योंकि गाड़ी एक दफ़ा पहले ही मॉडिफाई थी, उसके बाद स्टॉक हो गई थी, फिर दोबारा मॉडिफाई हुई है। तो अब जो मॉडिफाई हुई है वो हमारे पास आकर हुई है। देखें, हालात बहुत ख़राब है बारिशों की वजह से, रिम वाइट कलर में इसकी। तो इसका पूरा रिव्यू बनाएंगे, जब तक अभी हम चलते हैं इसको लेकर और इसमें काम करवाने के लिए चलते हैं। देखिए, हमने RPM मीटर वगैरह चीज़ें इंस्टॉल करानी है, काफ़ी सेंटर लॉकिंग भी लगी है इसमें, देख सकते हैं माशाल्लाह, बेहतरीन इंटीरियर। ये देखिए, देख सकते हैं, हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। अब हम जो है गाड़ी स्टार्ट करते हैं आपके सामने ही। फर्स्ट सर्फ स्टार्ट भाई, और गाड़ी में बहुत शदीद गर्मी हो रही है, पावर विंडोज भी है, इसमें विंडोज जाम हुई नहीं है, थोड़ा बहुत काम होगा इनका विंडोज़ का भी, क्योंकि जैसे कि मैं बताया बारिश की वजह से सब चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। तो आएँ जी, चलते हैं, फिर हम इसके अंदर मीटर्स वगैरह लगवा कर आते हैं। जैसे कि सिलेंसर का साउंड सुनाते चलूँ मैं आपको, तो फिर तो ये साउंड है सिलेंसर का, तो चलते हैं जी। ये RPM मीटर हैं हमारे,
ये हमने सैफ भाई से मंगवाए थे, डेफी के मीटर्स हैं देख सकते हैं। और भी यहाँ पे शॉप पे बहुत सारा सामान अवेलेबल होता है जैसे कि आप देखें, ये घड़ी हमारी EF, अभी इसके अंदर सारे मीटर लगेंगे लाइन से डैशबोर्ड की साइड पर, और फिर कोई बेहतरीन लुक आएगी इसमें से और मज़ा आ जाएगा फिर तो। ये लाइटें हैं ठीक है, आजकल आपने बहुत देखा होगा कि ग्रैंडी वगैरह में, करोला में बहुत से लोग लगा रहे हैं, मतलब करोला में नहीं हर गाड़ियों में ही लगा रहे हैं, तो ये वो लाइटें। और फिर हमने बोला कि हमारी EF कैसे पीछे रहेगी भाई, ये भी तो आगे आएगी, फिर हमने सोचा कि हम इसमें भी लगवा दें लाइटें। लाइटें लगने का तरीका क्या है मैं बता दूँ आपको, ये लाइटें यहाँ पे गैप में फिल होकर चलती हैं यहाँ से, तो ये पूरा डैशबोर्ड वगैरह पूरा कवर करके चारों दरवाजे कवर कर देते हैं लाइटें, तो ये भी करवा लें अभी हम। हमारे मीटर जो है वो चेक, किस तरीके से अभी ऑन है, देख सकते हैं आप, सिविक का साइड वाला पैनल जो है खुल चुका है और उन्होंने भाई ने पीछे फेंक दिया। अब जो है ये सारे मीटर जो है यहीं पे लगवा रहे हैं हम, क्योंकि ये यहीं पर ही बेहतरीन लगेंगे। तो मैंने इन भाई को बोला कि मैं ये वाली लाइन से आगे मीटर नहीं आए, क्योंकि वो फिर बुरे लगते हैं, मुँह पर ही लगेंगे तो कोने में रहें ज़्यादा बेहतर है। और जैसे कि बहुत जल्द हम अपना ये वाला मीटर भी ठीक कराएंगे, जैसे कि पार्किंग लाइट ऑन करूँ मैं, तो पार्किंग लाइट तो है लेकिन ये काम नहीं करते, तो ये भी हम बहुत जल्दी ठीक करा लेंगे, आप देख सकते हैं ऐसे के। और बहुत सारे मीटर हो गए हैं और उसमें से अभी एक कम है बकायदा, तो वो जब एक आएगा तो हो सकता है इसके बाद ही लगे वो। ये अब मीटर जो है वो सही करके रख दिए गए हैं हमारे जानदीप भाई जो है, अब इसको चिपका कर वायरिंग करेंगे उसकी पूरी, और आगे सेंसर भी इसमें अटैच होंगे इंजन के साथ, क्योंकि परफॉर्मेंस मीटर हैं सारे के सारे, तो ये बताते हैं कि आपकी गाड़ी का टेम्परेचर क्या है, वोल्टेज क्या है और क्या कह रही है आपकी गाड़ी, ये सब कुछ इसमें बता देते हैं आपको। क्या है कि मीटर लग चुके हैं, ये देखें आप ऑन करिएगा, ये देखें तार निकाला, ये देखें भाई मीटर हमारे जो हैं लग चुके हैं ठीक है भाई, और सेंसर लग रहे हैं अभी यहाँ से आगे से, ये वाटर टेम्परेचर का सेंसर होता है, यहाँ पे पानी की गर्मी जो भी होती है ये बताता है काउंटर पर, और वो अंदर मीटर में वहाँ से देख सकते हैं आप तार बाहर आ रहे हैं, तो ये सारे तार कोने से होते हुए इसमें लग जाएंगे, सारे इसमें नहीं लगेंगे, दो उसमें अटैच होंगे, बकाया आगे पीछे अटैच होते हैं इंजन से, और भी लगवाने कुछ आए थे और लगवा, अब हम जो है गाड़ी में कुछ और रहे हैं, तो ये होता है जब आप शॉप पर आओ और फिर आपको सामान कुछ और समझ आ जाता है, जैसे कि अभी ये LCD है, LED पैनल, टैबलेट पैनल, तो ये टैबलेट निकल रहा है पैनल। अरे सैब भाई वैसे ये कौन सी गाड़ी का है, अच्छा ये न्यू ऑल्टो का है, फ्रेम है, फ्रेम न्यू ऑल्टो का है, हाँ LCD अलग है, LCD जो है ऐसे ही नॉर्मल है, लेकिन ये पूरा फ्रेम जो है न्यू ऑल्टो का होता है, अभी इसमें से खोल कर उसमें लगा देंगे, ईजीली इसमें फिट हो जाएगा, तो आप भी आए विजिट करें शॉप पर, देख सकते हैं भाई यहाँ पर स्पीकर की वायरिंग जो है खींची हुई है ठीक है, मीटर इंस्टॉल हो गए, और पीछे जो है स्पीकर एक लग चुका है हमारा ठीक है, ये देख सकते हैं, और एक जो है हमारे भाई लगा रहे हैं, और ये अच्छा मैं स्विच करूँ पूरा, वो जो होता है ना मीटर भी ऑन हो गए, टैबलेट पैनल ऑन हो गया फाइनली, अच्छा एक बंद कर दूँ, अच्छा मैंने शोर करते रहेंगे ना मीटर, हाँ सही सही सही, तो देख सकते हैं माशाल्लाह एंड्रॉयड टैबलेट है, 9 इंच में है ये, 9 इंच स्टार्टिंग हो रहा है, बाकी स्पीकर एक कनेक्ट कर दिया जैसे कि, और एक रखा हुआ है, और आगे डोर वाले स्पीकर भी चेंज होंगे, क्योंकि डोर वाले स्पीकर तो एक एक साइड पे ख़राब है और एक साइड पे है ही नहीं, तो इसलिए, और जैसे कि बताता चलूँगी पावर स्टीयरिंग है ठीक है, बाकी इस पर किट लगा कर स्टीयरिंग से चेंज करा हुआ है, एंड्रॉयड पैनल हमारा जो है ओके वर्किंग में आ गया, FM लगाया भाई ने, हाँ पीछे देखे जिस जितने गाने जो है स्टार्ट होंगे, मतलब FM का जो साउंड होता है, बेहतरीन भाई बेहतरीन, बहुत मतलब ठीक ठाक सही टाइप,
फिर मैं अपनी एलसीडी में अपना पूरा अकाउंट खोला यहाँ पर, तो इतने देर में हमारे भाई ने पूरा पैनल खोल कर टेप लगा दिया यहाँ पे, स्पीकर लगा दिया है और पीछे भी स्पीकर दोनों लग चुके हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है जी। और यहाँ पे भी लग चुके हैं, जैसे कि बताते चलो मीटर भी इंस्टॉल हो चुके हैं, टैबलेट पैनल भी बस यहाँ रखना है और लगाना है बस। तो ऑलमोस्ट अंदर का काम कम्प्लीट है और एक चीज़ मैंने लगवाई है यहाँ पर ना, बहुत बेहतरीन है वो, जब लगेगी जब आपको मज़ा आएगा वो आप जब चेक करना, बकाया जब तक स्पीकर लग रहे हैं इंस्टॉल हो रहे हैं। इस तरीके से कि हमने एक रिवर्स कैमरा लगवाया पीछे, देख सकते हैं हम रिवर्स कैमरा, बाकी नंबर प्लेट सभी नहीं है इसकी, नंबर प्लेट भी बनवा के फैंसी लगवाएंगे क्योंकि इलीगल वर्क, तो आपको जैसे कि पता है गाड़ी बहुत गंदी हो रही है और कलर यकीन करें बहुत प्यारा कलर है लेकिन गाड़ी बहुत गंदी हो रही है इस टाइम में। तो जब हम इसको धोएंगे पॉलिश करेंगे इसको, फिर अब हम दिखाएंगे आपको ये किस तरीके की गाड़ी है। आप देख सकते हैं बकाया आगे सेंसर्स का काम चल रहा है, सेंसर इंस्टॉल हो रहे हैं, एक सेंसर ये बड़ा हुआ, ये ऑयल प्रेशर का सेंसर है, जितना ऑयल का प्रेशर होता है क्योंकि ये फ्रंट की गाड़ी है तो थोड़ा सा अगर तेज़ चलाएँ तो हमें ऑयल का प्रेशर मेंटेन रखना पड़ता है, उसके लिए ये लगाया जाता है। डबल टेप से जी हम जो है चिपका रहे हैं एलसीडी, अगर नहीं चिपकी तो फिर कुछ और करेंगे, लेकिन अभी ये डबल टेप वाली स्कीम है। और भाई कह रहे हैं इन्होंने बहुत सारी जो है चिपकाई है एलसीडी, कुछ नहीं होता, एलईडी एंड्रॉयड पैनल कहीं नहीं जाती है, ना गिरते हैं ना स्पीड ब्रेकर में कुछ भी, तो मैंने चलो ठीक है भाई आप जो कह रहे हो वो करो। तो देख सकते हैं माशाल्लाह पूरी गाड़ी का काम कम्प्लीट हो चुका है, स्पीकर हमारे इंस्टॉल हो गए और मीटर हमारे इंस्टॉल हो गए, एलसीडी आगे सेंसर बस हो रहे हैं और बाकी सब जो है वो टोटली हो चुका है कम्प्लीट। कैमरा लग गया रिवर्स कैमरा, और रिवर्स कैमरे का व्यू मैं अभी आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन रिवर्स कैमरा है और बहुत बहुत कुछ। रिवर्स कैमरे का व्यू है आप देख सकते हैं, क्या टाइट व्यू आ रहा है भाई। अच्छा भाई बोल रहे हैं पार्किंग खोलो, तो पार्किंग पे शायद कुछ होता है यहाँ पर ना। अच्छा देखें जैसे ही मैंने पार्किंग खोली है तो उसकी स्क्रीन की जो लाइट थी डल हो गई है और बेहतरीन चल रहा है भाई। हमारी लाइटों की बारी आ गई है, ये वही लाइट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि किसी ने इतने पुराने मॉडल में नहीं लगाई होंगी, और अगर लगाए भी हैं तो भाई बहुत आला। तो अभी देखते हैं फाइनली इसमें ये लगा कर चीज़ के मतलब ये लाइटों की लुक क्या निकलेगी और कैसी लगेंगी ये लाइटें ना, मतलब बहुत इंतज़ार है मुझे तो, और ख़ास करके इन लाइटों के लिए जितनी मुझे खुशी है और एक्साइटमेंट है ना क्या बताऊँ मैं आपको। लाइटों में आपको इस तरीके का रोल मिल जाता है, रोल है, और फिर आपने इस तरीके से इनको लगाना पड़ता है और ये एंड तक जाता है पॉइंट, जहाँ तक आपका गैप है ये पूरे गैप में फिल हो जाती है लाइटें। उसके बाद जैसे कि ये सर्वल पॉइंट देख रहे हैं आपकी, सर्वल कलर का पॉइंट ये इसमें आके लग जाता है तो बड़ी टाइट लाइट हो जाती है उससे। और ये मोबाइल कनेक्टिंग वाल वाली है। अच्छा भाई ये पाइप है और ये पाइप के अंदर ये क्या डालने जाने भाई, ये क्या होता है का पाइप होता है, ये एक और लाइट का पाइप होता है। सही सही सही, ये देख सकते हैं जैसे कि एंड तक आएगा और आने थोड़ा सा। डोर पैनल पे जो है कंप्लीट हो गई है लाइटिंग, वो डोर पैनल पीछे रखा हुआ है और ये वाले पैनल पे अभी काम चल रहा है, एंड्रॉयड पैनल लग गया है हमारा, सेंसर सिर्फ एक रह गया है ऑयल प्रेशर का, टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ों का लग गया, सिर्फ ऑयल प्रेशर का सेंसर रह गया हमारा, तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी आरपीएम मीटर हैं, ये चीज़ें रह गई हैं थोड़ी बहुत जी। हमारी लाइट जो हैं वो लग गई हैं, जैसे कि ये देखो बटन से कनेक्शन दिया हमारे भाई ने, यहाँ की लग रही हैं जैसे कि ये देख सकते हैं अभी आप, कनेक्ट हुई हैं और देखें फ़ौरन स्टार्ट हो गई जलना, तो थोड़ा सा ही काम रह गया और जैसे कि इशा की अज़ान भी हो रही है तो बस थोड़ा सा काम रह गया, कम्प्लीट जैसे ही हो जाए फिर हम जो है अनबॉक्सिंग कर देते हैं आपके लिए LCD की अनरैपिंग।